और जिस जीव को सतगुरु ने अंदर का ज्ञान बख्शा है वो तो जीव को बैठे बैठे अपने आप सब कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके गुरु ने, उसका गुरु कंप्लीट है, परफेक्ट है, स्पेशलिस्ट है अंतर की भक्ति में। वो पेट जरा है सतगुरु अपने डिसाइपल को देता है और डिसाइपल अगे फिर उसकी पेट को कैरी ऑन करते हैं, जिसका एक नाम देता, फिर दूसरे देता, फिर तीसरे देता, लेकिन साउंड वाले सब कुछ को अगर नाम लोगे तो वो नाम अपना रंग लाएगा और उस नाम को हम पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ है, कंप्लीट है सब कुछ, क्योंकि उसका मास्टर कंप्लीट, उसका मास्टर कंप्लीट। अकल के दायरे के बीच चलन के नाल यह रस्ता बड़ा दुर्गम बनना, ये विश्वास भरोसे और प्रीति नाल श्रद्धा के नाल शासन में सुनिए, ये सब ज्ञान प्राप्त। सतगुरु जरा है कैदी बांध के लिए अनहद नाथ, जरा साढ़े इतने अंदर शब्द होता है, पंच शब्द धुन अनहद बाजे, अंदर पांच धुना चलदिया पी है और अनहद है, यानी वो खत्म नहीं होती है, वह लेवल ऊपर ऊपर चलता रहता है। लेकिन आवाज में इसका फर्क होता है कि यह घंटे वक्त नजर आती पी है, यह शंख वक्त नजर आती पी है, यह नदी की कलकल वक्त आवाज आ रही है, यह बांसुरी की आवाज आ रही है, मुंडा वो शब्द ही है, साउंड शब्द पुजाए सो सतगुरु पूरा, उन चंदन की हो जा दूरा, लक्ष्य अलक्ष ना देखो कोई, अगर उसके अंदर सतगुरु है और उसके अंदर शब्द भी है, तुम उसे गुण और अवगुण ना देखो कि ऐसे गृहस्थी है ऐसे फलाने के, तुम तुम की पता है कि एक गृहस्थी है या एक नई गृहस्थी है, इस चीज़ को देखने के वास्ते अंदर की नज़र चाहिए। एक आदमी जो जंगल में बैठ के योगी बनिया है लेकिन मन उसका फिर भी भटकता पे, कभी वाहे बेच कभी बच्चे कभी किधर कभी किधर, और एक आदमी घर बैठ के भोगी होने के बावजूद भी वो पूरा कंप्लीट संत है, उसको किया जाएगा वो सब सब कुछ, उन भोगी नहीं किया जाएगा। जिस तरह कहते हैं कि एक विश्वास है वो लख हार से लाभ कर ले उसके मन ही तो चैन नहीं, क्योंकि उसका पति उसको बिछड़े है। इस तरह ही बैराग बाढ़ दे, एक पेस बदलो जो मर्जी कर लो, कमंडर फाड़ लो, कन फड़ा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जे अंदर थोड़े शब्द नहीं है यू आर नथिंग, उसे कुछ नहीं, क्योंकि इस शब्द ने ही सानू सचखंड के लैके जाना है। और यह चीज है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, जाप भी खत्म हो जाता है, सिमरन भी खत्म हो जाता है, अजपा भी खत्म हो जाता है, जो कि अंदर शब्द चलता है, अनहद भी मर जाए, जरा आखिर में अनहद शब्द चलता भी है वो भी मुक जाता है। क्यों? सुरत समानी शब्द में ताको काम है, जब एक नदी जाइए चलती चलती कल 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 करती करती कलकत्ता जाके समुद्र मिल जाती खाड़ी बंगाल, वो फिर आवाज़ अपनी नदी भी थोड़ा करेगी, तो समाधि कबीर साहब नहीं मानी, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में उसके शब्द चली गई समुद्र चली गई ताको काम मरता है, उसके जन्म मरण को रह तो। और साधु संत कहते बन के आते हैं जी दुनिया ने बंदगी करके चले गए उत्ते, उन्होंने जी शक्तियां ने वो फिर वापस आदियां ने जीवन में सत्संग सुनाम वास्ते अंदर का ज्ञान दे। जद मौज उस दी आंदी अंदरों गैब थोड़ा फोन आ जाए तो तुम कोई गल चली नहीं दसनी होती, क्योंकि अपनी सहेली को दसन दे। इस तरह जो सतगुरु के अंदर अपने जीव की सेवा भाव भक्ति देख के उसू अपनी मौज के नाल उसू बागो बाग कर देंगे, अंदर प्रसाद जोड़ा अंदर का है भक्ति का, भक्ति का प्रसाद सब और बढ़ा है। एक जीव जरा है भक्ति नहीं करना, भक्ति नहीं करना मतलब कि
सतगुरु को प्यार नहीं करता, लेकिन सतगुरु के शब्द को मंगता है कि यह दे देगा सानू, कौन नहीं दिता तो उसमें ही देगा जो उसकी भक्ति करेगा, जो उसको प्यार करेगा, जो उसने विश्वास करेगा उसू देर वो मौत उसू मिलती है। मौत किसी किसी को मिलती है, जिस अकड़ा का प्रसाद सब मिल जाता है, लेकिन अंदर का प्रसाद जोड़ा है वो तो गुरु की मौत जब आए वो देता है। हम तुम यह देखो कि सतगुरु की कृपा इतनी होती है जीव के उत्ते, लेकिन जीव उसके जीव इतनी कुरबानी नहीं करता जितनी कि सतगुरु जीव के उत्ते कुरबानी करता है, उसकी सेवा देख के उसकी भक्ति देख के उसका प्यार। ये जिहड़ा इलम है इलम तो पता ही है तू क्या भूले शाह क्या सूफी संत साहब के तो इलम ना पढ़ी, इलम तो तू दूर ही रह पढ़ना है तो अपने गुरु की सेवा अलग गुरु की भक्ति कर, वही इलम सारिया किताबा खुल जाएंगी तेरे सारिया किताबा अपने आप खुल जाएंगी अपने आप तेन पता लगे। मैं तुम दसदी हाँ महाराज जी की गए सी हेमकुंड, जाते जाते मैंने कट मैन ले गया, मैं उदो कॉलेज कट मैन ले गई जो भी थी पढ़ी गई, तो मैं जब इसकी कही सफा बड़ा महंगा है दशहरा न पढ़िया है और मैं तो कोई नहीं सी पढ़िया है, यानी अंदर के संस्कार जाग जाते हैं कि जीव में अपनी बिना प्रसन्नति आ जाती सर, तो यही किताबा कुछ नहीं है संतान ने आने जिक्र किए कि असी ऐसा देखिया इंज देखिया इंज देखिया जिक्र किए, और जिक्र असी पढ़ते हाँ तो फिर सू शौक लगता है कि ये लाइन ज़्यादा अच्छी है, आसान नहीं है, आसान तो इन्नी नहीं है, लेकिन इसमें बलि का बकरा बनना पड़ता, बलि का बकरा भी कि अपनी हाँ नहीं करनी, अपनी तरफों कोई नहीं कहना नहीं महाराज जी इंज नहीं इंजे गैस के रजला के जड़े बनता मौज अपने आप बच्चे आने अपने आप सब जिस तरह एक माँ है बच्चा पैसा मंगती दिल्ली तो जब अपना दिल आ गया तो चुके 500 का नोट भी फड़ा रही कौज। और मैं अगे भी कई बार तुम दस है कि मैं हले नाम ही नहीं लिखा कॉलेज ओपन भी नहीं, लेकिन महाराज जी का प्रीति बड़ी शक्ति शब्द अपने आप अंदर साम स्टार्ट हो गए अपने आप, फिर दसो भक्ति गड्डी ही आप कानक बंद करके बैठ के करनी वो बल्कि तुम सक्सैस नहीं मिलेगी जिनी भक्ति करके गुरु की तुम प्राप्त होगी। ऐसा ही है जिमें हवाई जहाज चढ़ के अमेरिका पहुंच भक्ति है चीज भक्ति गृहस्थी आदमी के अंदर भक्ति आ जाए ना तो नथिंग लाइक इट ए कोई चीज भक्ति नहीं, जो मुसलमान भक्ति को इश्क कहते असं उसको भक्ति कहें प्रेम, क्योंकि जिनी देर तक साढ़े अंदर मुर्शिद का सतगुर का विश्वास भरोसा प्रेम नहीं जागेगा उन्नी देर तक मानी मार्ग से चलना बहुत ही मुश्किल। ये प्रेम ही जगह है जीव न उस मार्ग से आसानी के नाम पर कराओ, हम देखो तुम घर बैठे होते हो सब का प्यार आता है तुम्हें याद आता अब 15 अगस्त अब महाराज जी का बैठते तो प्रेम नहीं तो हो कई ऐसे जो पड़ोसियों में बैठे उन्होंने नहीं पता अपनी किस्मत होती है गुरु की किस्मत नाल ही जीव जिहड़े ने सतगुरु को उन्हों का पिछला कोई कर्म जापता है तो वह सतपुरुष के चरणा ही बिना वो हुक्म तो सत्संग सुन नहीं सकते, उन्होंने सत्संग देने ही लगे कपड़े चढ़ के उठ के चल जाए, एक कर्म ने साढ़े कर्म ने जो सू सतगुरु के नजदीक लिया ਆਪੀ ਬਨਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੋ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ